आजम खान की आखिरी उम्मीद भी टूटी। कोर्ट के एक फैसले ने तोड़ दिया आजम का सपना। रामपुर में सदर विधानसभा उपचुनाव पर फंसा पेच सुलझा और चुनाव का रास्ता हो गया साफ। रद्द हुई आजम की सदस्यता पर आया अहम फैसला। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद अटका था पेच। देखिए अब रामपुर में किस तारीख में होगा उपचुनाव के लिए नामांकन और कब होगा मतदान। नवाबों की नगरी रामपुर अब बीजेपी और सपा के लिए नाक का सवाल बन चुकी है। विधानसभा उपचुनाव का रास्ता साफ होते ही करो या मरो के हालात दिख रहे हैं। अगर सपा जीती तो साख बढ़ेगी, लेकिन अगर बीजेपी हारी तो फिर तीसरा मौका होगा जब आजम खान के सामने बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। एक दिन पहले तक तो आजम गुट थोड़ा राहत ले रहा था। रामपुर में उपचुनाव होगा या नहीं, इस कयास में सियासी तबका और आम आदमी परेशान था। लेकिन कोर्ट के एक फैसले से जहां आजम खान को झटका लगा है, वहीं उपचुनाव का रास्ता भी अब साफ हो गया है। सदर विधानसभा सीट से पूर्व सपा विधायक आजम खान के सामने उम्मीद की एक किरण जगी थी, लेकिन वो अब टूट गई है। रामपुर में उपचुनाव हर हाल में होकर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रामपुर सेशन कोर्ट में आजम खान की विधानसभा सदस्यता रद्द करने पर जो याचिका डाली गई थी वो खारिज कर दी गई है। बताएंगे कि कोर्ट ने मामले में क्या कहा, लेकिन पहले बात करते हैं कि रामपुर में कब नामांकन होगा और कब मतदान होगा। रामपुर में मतदान पहले की ही तरह 5 दिसंबर और मतगणना 8 दिसंबर को ही होगी, लेकिन नामांकन की तारीख एक दिन आगे बढ़ा दी गई है। कोर्ट के फैसले से पहले नामांकन की आखिरी तारीख 17 नवंबर थी, जो अब एक दिन बढ़ाकर 18 नवंबर कर दी गई है। बात करें कोर्ट के फैसले की, तो एमपी एमएलए कोर्ट की माने तो आजम खान की सदस्यता बहाल करने वाली अपील को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया है। अब उनकी सदस्यता रद्द होना तय है। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर में होने वाले उपचुनावों को रोकने का आदेश दिया था, जिसके बाद देर रात चुनाव आयोग ने रामपुर में उपचुनाव की जारी अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। जिला सेशन कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करने का हुक्म सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोष सिद्ध मामले पर आज ही सुनवाई करें। जिला सेशन कोर्ट ने आजम को अंतरिम जमानत भी दी थी। हालांकि एक दिन पहले ही जिला सेशन कोर्ट ने सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख मुकर्रर की थी। आजम पक्ष ने अनियमितताओं और गैर कानूनी प्रावधान की तरफ कोर्ट का ध्यान दिलाया। आजम खान द्वारा उठाए गए कन्विक्शन के स्टे को एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है। अभियोजन अधिकारी की माने तो स्टे सिर्फ विरलतम मामलों में ही दिया जाता है। कोर्ट ने इस मामले को विरलतम नहीं माना, जिसके आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। कोर्ट में मौजूद आजम खान के सियासी धुर विरोधी आकाश सक्सेना और फनी ने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था सत्य की जीत होगी। आजम खान को कोर्ट से झटका लगने के बाद अब सपा के लिए रामपुर एक बार फिर नाक का सवाल बनता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए जहां साख बचाने की चुनौती है, तो वहीं अब बीजेपी के लिए भी करो या मरो के हालात हैं। अगर बीजेपी को रामपुर सदर से जीत मिलती है तो फिर इससे उसका रुतबा बढ़ेगा, लेकिन अगर हार मिली तो ये तीसरा मौका होगा जब आजम खान के सामने भाजपा को मुंह की खानी होगी। अब देखना यह है कि चुनाव के बाद नतीजे किसके पक्ष में आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।